15 मिनट और अभी कुछ बात कर रहा हूँ हिमाचल के लिए दिल्ली से। देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं है तो देखते हैं अब आगे चलते हैं। मैंने तो होप छोड़ दी थी कि मैं जाऊँगा भी, ये करूँगा भी। ऑलमोस्ट बस में बैठ गया था 70 किलोमीटर जब मैंने कर लिए थे, पर उसके बाद मैंने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ और ये सब, और दोस्तों के पॉजिटिव कमेंट्स और ये सब चीज़ें, और फिर मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया, और फिर उसके बाद मेरे को था कि नहीं चलो करते हैं, देखते हैं कहाँ तक होता है कहाँ तक नहीं होता है, पर ऐसा ही है। और ये है साइकिल और मेरे पास बैग है, और बैग शिट, मेरी व्लॉगिंग टेक्निक्स अभी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ बेयर विद मी। चलो चलते हैं अब आगे, पानीपत के पास वीडियो बनाऊंगा या फिर आगे बनाऊंगा, देखते हैं। Life is good. I love this. खाली रोड था इसलिए कर लिया, प्लीज गुस्सा नहीं करने का। बाय बाय फॉर नाउ। दिल्ली से? कहाँ से? दिल्ली। कहाँ जाओगे? हिमाचल। साइकिल पे? साइकिल पे पहुँच जाएंगे। कैसी चल रही है? अभी मैं चंडीगढ़ पहुंचने को अभी है टाइम, ऑलमोस्ट इट विल टेक 1.5 आवर। 80 किलोमीटर है यहाँ से, 2 घंटे भी लग सकते हैं। अंधेरा हो चुका है और आई एम नॉट श्योर कि अब मैं कितनी देर चलूँगा। अभी तो सर्विस लेन पे चल रहा हूँ तो सब सही है, देखते हैं। कल रात 2 बजे से चल रहा हूँ और अभी 6 बजने हैं, तो आई डोंट थिंक अब मेरे को ज़्यादा देर चलना चाहिए। ऑलमोस्ट 24 घंटे हो जाएंगे, नहीं तो अगर 2 बजे तक चल गया तो बाकी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। और साइकिल की कंडीशन भी मैं दिखा देता हूँ, तो साइकिल की कंडीशन भी बढ़िया ही है, क्या दिक्कत है? हाँ, ये है एक, इसको मैंने उल्टा ऐसे लगाया है क्योंकि ये बहुत बहुत शार्प है और ये नॉट कंफर्टेबल एट ऑल, तो मैं खड़े होके ही चला रहा हूँ साइकिल मोस्टली, और मैं रेस्ट करने के लिए इस पर बैठ जाता हूँ, तो ये ज़्यादा सही है। बाकी आगे से कैसी लग रही है जी? अच्छी है, पर वही है कि मैं बोलूँगा अगर दूर का रूट रखना है तो साइकिल भी वैसी ही रखो। ये तो मेरा क्या बोलूँ, मैं ऐसा ही हूँ मन किया था चले गए, पर मेरे को भी अब लग रहा है मेरे को एक साइकिल लेनी चाहिए सही सी, देखते हैं। बाकी जस्ट एक प्रूफ दिखाने के लिए, वो जो है ये मेन लेन है, एकदम बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी, और मैं सर्विस लेन पे चल रहा हूँ जहाँ लिटरली कोई भी नहीं है। तो थैंक यू गाइज फॉर वरिंग, पर मैं सही हूँ भाई जी। बहुत टाइम लगेगा अभी यार, पता है सब कुछ सही है, पर इफ मैंने एक सही साइकिल ली होती ना तो मज़ा आता। बीच बीच में आई एम रिग्रेटिंग ऑल्सो, उसका मैं बताऊंगा आपको पूरा सीन थोड़ी देर में ऑब्वियसली। तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 11:30 बजे, वॉज एग्जॉस्टेड फुली, और ये वो जगह है जहाँ पर मैंने स्टे किया, अमेजिंग प्लेस। पर भाई इतना अंदर आके इतना घटिया रोड है यहाँ पे आने के लिए, क्या क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा। चाओ चाओ, तो प्लीज़ चलो देखते हैं
कब कहाँ पहुँचते हैं। फ़िलहाल तो ऊना यहाँ से है 150 किलोमीटर्स, तो प्लान तो यही है कि ऊना तो क्रॉस करना है। ओके, फाइनली चल पड़े हैं और व्यू तो भाई बहुत सही है यहाँ पे, पूरा एकदम वही गांव है। कल मैं कम से कम 8-9 किलोमीटर अंदर आया था और रोड इतना अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, रोड बहुत बेकार था। तो आई एम ग्रेटफुल कि मेरे को ऐसा रोड मिल गया आज। और अंधेरे में जस्ट कल मैंने जिस रोड पे चलाया भाई, जो गड्ढों में घुसा हूँ मैं कल। चलो अभी तो जाना है मेरे को काफ़ी दूर, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मिलते हैं जब मैं अगली शॉट बनाऊंगा, तब मिलते हैं। आई लव दिस। मेरे को पता नहीं है कि साउंड आएगी या नहीं, बट आई लव इट। This is life, let's say. Wow. See that? Love to see that. पूरा दिन मेरे को प्लेन हिला के पसंद नहीं है, बट आई लव इट। ये वाला जगह आई वुड से फाइन। हाँ अभी यहाँ पे रुका हूँ मैं, मेरे को कल से था कि गन्ने का जूस पीना है। आई हैव अ स्वीट टूथ, सो हियर आई एम। अरे यार, एक तो ये किलो किलो के जूते पहने थे मैंने वुडलैंड के, पर ये अच्छा भी था एक काइंड से, मतलब जब मैं नीचे को फोर्स लगा रहा था ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और हाँ, वो रही सीट, वो टेढ़ी करी हुई है, रात को दिखा नहीं होगा अच्छे से। वो पिछले वाले वीडियो में वो जो अंकल थे जहाँ पे मैंने जूस पिया था, वो बहुत सही थे। वो पता नहीं मेरी ऑकवर्डनेस की वजह से मैंने कैमरा बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने मेरे को एक बॉटल दी स्टिंग करके, एक एनर्जी ड्रिंक होती है उसकी, और बोला कि रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी, आई वॉज ऑल्सो साइकिलिस्ट करके। तो बात हुई कहाँ से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो, तो वो बहुत खुश हो रहे थे। और ऐसे एक मतलब 3-4 चीज़ें हुई, पर मेरे पास GoPro नहीं था, काश होता तो वो मैं रिकॉर्ड कर पाता। मेरे को दिल्ली बॉर्डर पे मेरे को एक पुलिस वाले ने हेल्प करी थी मेरी साइकिल सेटअप करने के लिए, मैंने बिल्कुल गलत सेट की थी, वो उसने सीट हाइट थोड़ी इंक्रीज़ करी उसको। अभी सीट तो बाद में मैंने मोड़ ली, क्योंकि उसकी सीट थोड़ा स्क्रू से सही करना पड़ती, वो था नहीं वहाँ पे रेंच स्क्रू वगैरह, पर व्हाटएवर। पर इतना बड़ा 30 रुपये में दूध का गिलास जब मिलने लग जाए तो आप पंजाब में हो, समझ जाना अगर कोई आ रहा है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर से। अभी तो मैं हूँ रूपनगर में। अब यहाँ से मेरे को 80 या 78 किलोमीटर जाना है, फिर शायद मैं पापा को फ़ोन करके बुला लूँ ऊना में, जैसे हिमाचल बॉर्डर में क्रॉस करूँगा फिर से एक वीडियो बनाऊँगा, देखते हैं। और ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, पर अगर स्टिंग वालों तुम देख रहे हो तो ठीक है, बाकी देखते हैं अगली वीडियो में पता चलेगा, सॉरी अगले शॉट में पता चलेगा कि क्या हुआ। 70 किलोमीटर, अभी 4:45 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। मैं 45 मिनट से साइकिलिंग कर रहा था जब से मैंने खाना खाया था 4 बजे,
और अब मेरे को लगातार 4 घंटे के लिए साइकिलिंग करनी है। तो अभी इस 4 घंटे में अगर मैं एवरेज बना के चलूँगा 15 की, तो मेरे को 60 किलोमीटर, यानी मैं अनंतपुर से 10 किलोमीटर पीछे होऊंगा 8 बजे, 5 बजे है ना, अबे पता नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। क्योंकि डैडी को तो मैंने बोला है कि मैं अनंतपुर के पास हूँ, क्योंकि वो आने वाले हैं मेरे को हिमाचल बॉर्डर पे लेने, ऊना के पास मैंने बुलाया था उनको। तो मे भी मैं उनको 9 बजे फ़ोन करूँगी, आप आ जाओ 10 बजे तक, हम 10 बजे तक मैं ऊना पहुँच जाऊँ। पर कल भी मैंने ऐसे ही किया था कि मैं 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा अम्बाला, बट मेरे को 2 बज गए थे अम्बाला पहुँचते। कितना बहुत कम विजिबिलिटी है अब यहाँ पे, और धुंध बहुत 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 ज़्यादा, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 2 डिग्री, और मेरे को पसीना पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, अंदर वाली जैकेट भीग चुकी है, बाहर वाली जैकेट में भी पसीना बाहर की ओर आ रहा है, अंदर से एकदम पूरा गीला गीला हो चुका है, और मेरे को नींद भी आ रही है, और मैंने पापा को बुला लिया है। मैं जो पसीना थोड़ा बाहर बाहर है शोल्डर्स पे, वो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया है, और अभी यहाँ पे विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कम है, इसलिए मैंने साइकिलिंग अब मैं और ज़्यादा नहीं करूँगा। यहाँ पे पीछे यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, मैं यहीं पे रुक जाऊँगा, डैडी का वेट करूँगा, और मेरे को नींद आ रही है तो मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। कल भी मैंने 2 बजे से दिल्ली से चला था, 2 बजे तक अम्बाला पहुंचा था, पूरे 24 घंटे चलाई थी। आज भी मैंने 11 बजे चला था मैं अम्बाला से, और 11:30 बजे और मैं पहुंच रहा हूँ ऊना से आगे थोड़ा सा। तो ये पसीना वसीना बहुत ज़्यादा बेकार है, इसकी वजह से मेरे को बहुत ठंड लग रही है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए मैं रुक रहा हूँ। चलो बाकी बाद में बात करते हैं, बाय बाय।